अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि यार आज के व्लॉग में आपका भाई आपको दिखाने लगा है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 2010 मॉडल है और ये 4000 सीसी वाला भाई प्राडो है। आपको प्रॉपर डिटेल देते हैं इसकी क्या क्या फीचर है, इसमें सारा प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये चेकआउट करो टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो की कुछ लुक, यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हाथ का रियल लुक इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रेंड भी हम चेकआउट करेंगे, सबसे पहले ज़्यादा रियर से स्टार्ट करते हैं और रियर से आपको प्रॉपर डिटेल देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो 60th एनिवर्सरी का भाई ये प्राडो है, ठीक हो गया। टेल लैम्प की तरफ आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसके टेल लैम्प है। यहाँ पे भी आपको लैंड क्रूजर की बैजिंग मिल रही है, ठीक हो गया। उसकी तरफ हम ज़रा ऊपर आ जाएँ तो ऊपर आपको स्पॉइलर मिलेगा, स्टॉप लैम्प पर दिया गया है। बैक स्क्रीन में डिफॉगर मौजूद है, उसके साथ साथ यहाँ से अगर आप इसकी स्क्रीन ओपन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। स्मार्ट एंट्री सिस्टम बैक पे भी मौजूद है, बाकी बैक पे आपको वॉशर मिल जाएगा। उसके साथ साथ लैंड क्रूजर प्राडो की आपको बैजिंग मिल रही है, टोयोटा का लोगो आपको मिल जाएगा, रियर व्यू कैमरा मौजूद है। उसके साथ साथ नीचे आप चेकआउट कर सकते हो, पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। उसके साथ साथ नीचे एक डिफ्यूज़र इंस्टॉल है जिसमें आपको चार एग्जॉस्ट पाइप मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी हम यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे तो इसका जो रियर टेल गेट है वो ओपन हो जाएगा और आप स्पेस चेकआउट कर सकते हो। अभी तो स्पेस बिल्कुल ना होने के बराबर है क्योंकि अभी इसकी जो लास्ट रो है वो भी ओपन हुई हुई है, ठीक है। बेसिकली ये प्रॉपर 7 सीटर है, लास्ट पर जो बैठेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल इसमें बैठेगा, बट आपको रियर पर जो स्पेस है वो फिर नहीं मिलने वाली जब लास्ट रो इसकी ओपन होगी। आप क्लोज करके अपने लगी स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। बाकी इसकी मुझे एक बात अच्छी लगती है कि इसका जो टेल गेट है प्रॉपर पूरा ओपन होता है। वैसे ये वाली जो विंडो है ये भी ओपन हो जाती है बट पूरा इसका टेल गेट ओपन होता है। जो लैंड क्रूजर होता है ये वाली जो साइड है अलग ओपन होती है, ठीक हो गया, और नीचे वाला जो गेट है ये अलग ओपन होता है, बट प्राडो में ये नहीं होता। प्राडो में आपको साइडवेज इसका टेल गेट मिलता है, ठीक हो गया। बाकी आते हैं जरा साइड प्रोफाइल की तरफ, तो आप इसकी साइड प्रोफाइल देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ये जो इसका फाइंडर है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लुक इसकी वाइड वाइड आ रही है, ठीक हो गया। विंडोज़ आप इसकी चेकआउट कर सकते हो, प्राइवेसी ग्लास में क्रोम के आपको हाईलाइट्स मिल जाएंगे। ऊपर आपको रूफ फ्रिल्स दी गई हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको साइड पर इसके क्या कहते हैं एयर प्रेस इंस्टॉल मिलेंगे। अलॉय व्हील्स की तरफ आते हैं, आप इसकी अलॉय व्हील का डिज़ाइन चेकआउट कर सकते हो। डनलप के इसमें टायर इंस्टॉल है, और अगर प्रोफाइल चेकआउट करें 265/65R17 की आपको प्रोफाइल मिलेगी। 17 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स मौजूद है और आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाएगा। हम जरा ओपन करते हैं इसके रियर डोर को, या आप इसके रियर डोर की कुछ लुक चेकआउट कर सकते हो। ड्यूअल टोन के साथ है, ब्लैक प्लस ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलेगा। ऑटो विंडो आपको मिल जाएगी, डोर ओपनर यहाँ पे आपको सिल्वर हैंडल दिया गया है। उसके साथ साथ फैब्रिक प्लस आपको यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, ठीक हो गया। नीचे आपको स्पीकर मिल जाएगा, प्राडो की सिल प्लेट यहाँ पे मौजूद है, ठीक हो गया। और ये है इसकी सीट जो कि प्रॉपर लेदर में है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है। उसके साथ आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिल रही है, सीट बेल्ट दिए गए हैं, ऊपर लाइट मौजूद है, प्रॉपर 3 हेडरेस्ट दिए गए और जो लास्ट हो है उस पर भी आपको प्रॉपर हेडरेस्ट मिल जाएंगे। बाकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है रियर पर, उसके साथ पॉकेट्स आपको मिल जाएंगी। रियर पे एसी वेंट मौजूद है, रियर पे भी आपको 12 वॉट की आउटलेट दी गई है, प्रॉपर मतलब हर चीज़ इसमें मौजूद है, ठीक हो गया। और आपको हैंडल भी दिया गया, अगर आपने ऊपर चढ़ना है इसीलिए आप चढ़ सकते हो। बंद करते हैं रियर डोर को और आते हैं ज़रा इसके फ्रंट पैसेंजर साइड वाले डोर की तरफ, तो आप इसकी कुछ लुक चेकआउट कर सकते हो। नीचे आपको वार्निंग लाइट मिल जाएगी, फाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, स्पीकर, पावर विंडो, उसके बाद डोर ओपनर और हैंडल दिया गया है आपको। उसी तरह आपको डुअल टोन के साथ मिलेगा और ये है कुछ इसका इंटीरियर जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ब्लैक प्लस आपको सिल्वर एलिमेंट्स दिए गए जो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ सीट आप चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपर आपको ब्लैक लेदर में दी गई है। बाकी जरा हम अंदर बैठेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल से दिखा देंगे। बाकी आप इसके मिरर चेकआउट कर सकते हो, यार यहाँ पे आपको साइड टर्न सिग्नल दिया गया, क्रोम के हाईलाइट्स मौजूद है, प्राडो की बैजिंग मौजूद है, रिटेक्टेबल ORVM है ये। और इस मिरर को तो आपको पता ही है, आपके भाई को बड़ा पसंद है ये मिरर जो आपको फ्रंट और साइड दिखाता है। और अलॉय व्हील्स का तो मैंने आपको बता दिया था कि 17 इंच के अलॉयज हैं और डनलप के इसमें टायर्स इंस्टॉल हैं। और अब दिखाता हूँ आपको कुछ इसकी फ्रंट से फुल लुक, ये आप चेकआउट कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है कुछ इसकी। और इस तरह से आप इसकी कुछ लुक चेकआउट कर लो, यार क्या अट्रैक्टिव लुक आ रही है इस प्राडो की। मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये प्राडो किस तरह का लगा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, खासकर ये फ्रंट से तो बहुत ज़्यादा वाइड है। नीचे बॉडी किट भी इंस्टॉल है, बेसिकली इस गाड़ी में पूरी बॉडी किट इंस्टॉल है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक दे रही है। आते हैं ज़रा इसके हेडलैम्प की तरफ, तो हेडलैम्प पर आप चेकआउट कर सकते हो, प्रोजेक्टर आपको दिया गया, क्रोम के हाईलाइट्स मौजूद हैं इसके हेडलाइट के अंदर, उसके साथ मैट ब्लैक फिनिश है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और इसकी ग्रिल की तरफ आएँ तो आप इसे ग्रिल चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ग्रिल है, ठीक है। ग्रे प्लस अल्यूमिनियम प्लस मैट ब्लैक फिनिश में
आपको इसकी दी गई है ग्रिल और उसके साथ साथ टोयोटा काफी बड़ा लोगो आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। बाकी नीचे फॉग लैंप इंस्टॉल है, साइड पे आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल जाएगी और नीचे इसकी जो बेसिकली लिप इंस्टॉल है उस पर भी क्रोम की गार्निशिंग आपको दी गई है। यार ये लुक चेकआउट करो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये प्राडो। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी साइड प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल ये कुछ लुक है भाई इस प्राडो की। जरा हम इसका वीडियो बंद करते हैं और आपको जरा इसका इंजन भी दिखाते हैं कि इंजन का क्या सीन है। यहाँ से आके जरा बोनेट, ये बोनेट का है। ठीक हो गया, और इंटीरियर भी आप एकदम अच्छा कुक कर लो। अंदर बैठेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल से हम दिखाएंगे। फिलहाल हम जरा इसका इंजन बे चेकआउट कर लें। पॉइंट ओपन कर दिए, अब आपको जरा दिखाते हैं इसका इंजन बे। ये आप चेकआउट कर सकते हो प्राडो का 4000 सीसी इंजन, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन है। प्राडो और क्रूजर के जो इंजन है ना, इतने ज्यादा रिलायबल इंजन है कि भाई इनको 10-12 लाख किलोमीटर पे भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि टोयोटा के इंजन, टोयोटा कंपनी के जितने भी इंजन है, करोला देख लो आप, कोई भी सीरीज आप प्रियस देख लो, आप एक्वा देख लो, इंजन को कुछ नहीं होता टोयोटा के। टोयोटा माना जाता है भाई अपने ड्यूरेबल इंजन की वजह से, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, और आपको बताया कि प्राडो का इंजन मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है। लोग अपने जो प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, ठीक है, जीप्स वगैरह, कोई क्या कहते हैं, मैंने एक दो क्या कहते हैं रैप्टर में भी डाला हुआ देखा प्राडो का इंजन, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इन इंजन को प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन होते हैं और पावर मीन में बहुत ही ज़्यादा मजे की होती है। ठीक हो गया, तो बाकी वर्ड ये है इसका इंजन पे 4000 सीसी बेसिकली ये इंजन है। ठीक है, इसमें मैंने 2.7 तो बहुत देखा है, बट ये 4000 सीसी वाला बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो मैंने आज ये प्राडो देखा तो मैंने कहा इसका रिव्यू करना बनता है। 4000 सीसी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा रियर प्राडो है जिसमें 4000 सीसी इंजन आता है, अब तो 2.7 ज़्यादा आते हैं। ठीक हो गया, पॉइंट हमने बंद कर दिया। अब ज़रा चलते हैं इसके इंटीरियर में और आपको इंटीरियर से दिखाते हैं भाई इंटीरियर में क्या क्या मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले हम ज़रा आपको इसके डोर की लुक चेकआउट कराते हैं। ये आप चेकआउट कर सकते हो कुछ इसके डोर की लुक। डोर पे क्या मौजूद है, ऑल ऑटो आपको विंडोज मिल जाएंगी, विंडो लॉक का बटन है, डोर लॉक अनलॉक का बटन है, डोर ओपनर आपको मिल जाएगा, फाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, स्पीकर और डुअल टोन के साथ है ये भी, ब्लैक प्लस ग्रे के साथ। और ये है कुछ इसका इंटीरियर जो कि यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इंटीरियर में बैठते हैं, आपको प्रॉपर डिटेल से दिखाते हैं। ये ग्रैब हैंडल दिया गया, आराम से हम अंदर आ जाते हैं भाई प्राडो के इंटीरियर में। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हो, फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, टोयोटा का लोगो, SRS एयरबैग मिल जाएगा। इस तरफ आते हैं वॉइस कमांड, कॉल पैक डिक्लाइन की ऑप्शन है, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरफ आते हैं वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल, दूसरे वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे और मीटर आप इसका चेकआउट कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मीटर है और ये जो राउंड में दिया गया बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। 7000 आपको RPM दिया गया, 180 की टॉप स्पीड आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, ये कुछ लुक। और सेंटर में आपको स्क्रीन भी दी गई जिसमें काफी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इधर आ जाए तो आप AC वेंट इसका चेकआउट कर सकते हो। नीचे आपको पुश स्टार्ट मिल जाएगा, रिटेक्टेबल ORVM कंट्रोल आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे आ जाए आप इसके हेडलाइट के लेवल को सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, और बाकी आप यहाँ पे कोई चीज इंस्टॉल करना चाहते हो आप इजिली कर सकते हो। बाकी आ जाते हैं जरा इसके सेंटर पैनल की तरफ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखाते हैं प्रॉपर डिटेल से। सबसे पहले ऊपर आ जाए तो आप इसके AC वेंट चेकआउट कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको सिल्वर लाइनिंग ऊपर दी गई है। नीचे मौजूद है भाई इसकी टेस्ला की स्क्रीन, जो कि भाई कमाल ही है, मतलब पूरी मतलब इसके इंटीरियर की लुक इस टेस्ला स्क्रीन की वजह से उठी हुई है। बाकी इसी में आपका सारा कंट्रोल है AC का। ठीक है, अगर आप नॉब से भी सेट करना चाहते हैं आप नॉब से भी कर सकते हैं। बाकी AC का बटन ऑफ करना चाहते हैं AC ऑफ भी कर सकते हैं। फ्रंट या डिफॉगर के बटन यहाँ पे मिल जाएंगे, हेजलाइट का आपको बटन यहाँ पे दिया गया है। ठीक हो गया, उसके साथ साथ नीचे आ जाए तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4x4 का कंट्रोलर है, उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा डाउन हिल ऐसे इसका बटन, उसके साथ डिफ लॉक का बटन है और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए, आप बंद करना चाहते हैं बंद भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ठीक हो गया, आप इसे मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो प्लस माइनस करके। और बाकी मैनुअल हैंडब्रेक दी गई है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 12 वोल्ट की सॉकेट मिल जाएगी। आर्मरेस्ट मौजूद है, काफी बड़े साइज की आर्मरेस्ट, इसमें काफी ज्यादा भाई आपकी चीजें आ जानी है। बाकी लेदर की सीट्स हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाएंगी। डैशबोर्ड में चेकआउट करें तो अच्छी स्पेस मौजूद है, आप चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स है। बाकी इसके डैशबोर्ड की बात करें तो आप इसका डैशबोर्ड चेकआउट कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है। फुल ब्लैकआउट इसका इंटीरियर है, उसके साथ साथ ये आपको जो सिल्वर की गार्निशिंग दी गई है यहाँ पे नीचे मौजूद है। AC वेंट के साउंड पे, स्टेयरिंग व्हील पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रही है, मीटर के साउंड पे भी दी गई है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रही है। बाकी ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सनशेड, सनशेड में वेंटीमीटर मौजूद है, वेंटीमीटर के ऊपर लाइट भी दी गई है, सनग्लासेस होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक हो गया, ये आप चेकआउट कर सकते हो, बेसिकली सनग्लासेस होल्डर में इसको समझ आता, बट ये रियर कन्वर्सेशन मिरर है,
मैंने काफी ज्यादा बड़ा नाम ले लिया। बेसिकली अगर आप ड्यूरिंग ड्राइविंग पीछे कोई पैसेंजर से बात करना चाहते हैं तो इसका जो व्यू है ना बहुत ही ज्यादा क्लियर है। रियर व्यू मिरर तो आपको एंड तक मतलब थोड़ा जूम इसमें पिक्चर आती है। इसमें ना बहुत ही आला सीन है कि आपको वो एंड तक थर्ड रो में कोई बंदा बैठा होगा तो उससे भी आप इजिली बात कर सकते हो, इतना कोई क्लियर मिरर है ये। ठीक हो गया, बाकी ऊपर लाइट्स मौजूद है, ठीक हो गया। इस तरफ आ जाए, इधर भी सनशेड में वेंटिलेट दिया गया लाइट के साथ, ठीक हो गया। बाकी आपको साइड कर्टन एयरबैग भी दिए, तकरीबन 6 से 8 एयरबैग इस पराडो में मौजूद है, ठीक हो गया। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं इसके बारे में, पहले तो एक्सटीरियर की बात कर लेता हूं। एक्सटीरियर इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा है, बहुत अट्रैक्टिव इसका एक्सटीरियर है और इंटीरियर में आके मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम फील हो रहा है। खासकर इसकी जो टेस्ला स्क्रीन है इसकी वजह से बहुत ही आला लुक आ रही है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब चस आ रही है। मतलब एक दफ़ा आप कह सकते हो कि भाई इसके इंटीरियर को देख के, एक्सटीरियर तो इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, ठीक है, बट इंटीरियर भी इसका बहुत ही चस करवा रहा है, ठीक हो गया। बाकी वर्स अब आपको ज़्यादा दिखाते हैं इसकी कुछ की, आप चेकआउट कर सकते हो। टोयोटा का लोगो है और इस तरफ आपको लॉन्ग का फंक्शन मिलेगा, सिल्वर प्लस ग्रे के साथ इसकी की आपको मिलेगी। यहाँ पे भाई पुश स्टार्ट है, जरा हम इसका मीटर ऑन कर लेते हैं, आपको जरा इसके मीटर की लुक दिखा देते हैं, ठीक हो गया। सेंटर में आपको भाई टोयोटा का एम्बलम आ जाता है, ठीक है। इस तरफ आते हैं आपको 7000 आरपीएम 180 की टॉप स्पीड और आप लाइट साइड ऑन नहीं हुई, आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ इसके मीटर की लुक यार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेंटर में जो स्क्रीन है उसमें काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अभी डोर ओपन था उसकी इंडिकेशन आपको इसकी स्क्रीन में दे रहा था, उसके साथ साथ अभी आपको दिखा रहा है गाड़ी पार्किंग में है, नीचे दिखा रहा है गाड़ी कितनी चली हुई है, ठीक हो गया। फ्यूल इंडिकेशन, उसके साथ आपको हीट की इंडिकेशन मिल जाएगी। इसकी टेस्ला स्क्रीन की तरफ आ जाए तो आप इसकी टेस्ला स्क्रीन चेकआउट कर सकते हो भाई। इसमें आपको सारे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के लेटेस्ट सारे कंट्रोल मिल जाएंगे, उसके साथ साथ अगर मेन मेन्यू पे हैं तो भाई यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब आपको मिल जाएगा, उसके साथ काफी ज्यादा आपको मतलब दराज मिल जाएगा, सब चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड है, इसमें आप सारी चीजें इंस्टॉल भी कर सकते हो, गेम शेम इंस्टॉल करना चाहते हो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वीडियोज वगैरह देख सकते हो, इस पर वीडियो वैसे देखने की अलग ही कुछ चस आएगी। बाकी यार इसका अभी ब्राइटनेस फुल लो पे हुई है, मुझे मिल नहीं रही कहाँ पे भाई इसकी ब्राइटनेस, मैंने काफी ज्यादा ढूंढी है वरना इसकी ब्राइटनेस फुल करके आपको दिखाता, अभी आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैंने काफी मुझे नहीं मिला यार ऊपर से, मैंने भाई दरवाजे बंद किए, मैं ऐसे ही ऑन करता हूँ फिर आपको आवाज ही नहीं आती, इसलिए ऐसे ही बंद किया हुआ है, तो आपका भाई गर्मी में ना कुछ ज्यादा ही तापर है, ठीक है। तो जरा हम चलते हैं बाहर, तो भाई गर्मी सेकने का मतलब अलग ही चाह सकती है, क्योंकि आपको पता है सर्दियां हैं, सर्दियों में मतलब धूप पे खड़ा होना अलग ही चाह सकता है, बट ये जो है ना भाई ये पसीना आ रहा है अंदर, ठीक है, इतनी कुछ ज्यादा गर्मी होगी है इसके रूम में, ठीक है। हम जरा बाहर चलते हैं, बाकी मैंने आपको टेस्ला बता दिया कि सारे आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर ही मौजूद है सब चीजें, ठीक हो गया। बाकी हम यहाँ जरा इसके मीटर को ही बंद कर देते हैं। बाकी बस ये कुछ इसका इंटीरियर, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंटीरियर। आप बाहर चलते हैं और आपको इस प्राडो की जरा डिटेल बताते हैं कि क्या डिटेल है इस प्राडो की। चलें बस आपको जरा देते हैं इसकी डिटेल। ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो, 2010 मॉडल है और 4000 सीसी वाला प्राडो है, ठीक हो गया। और प्राइस की बात करें तो 1,40,00,000 इसकी डिमांड की जा रही है, 1,40,00,000 रुपीस इसकी डिमांड है। जिस बंदे ने बाय करना है G8 में शोरूम पे विजिट कर सकता है, लैंड एंड कार शोरूम पे फॉर सेल अवेलेबल है, ठीक हो गया। जो डील ग्रैब करना चाहे डेफिनेटली विजिट करके यहाँ पे इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं आप इजीली ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बस उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया चाहे आपको लाइक शेयर इसका मस्ट है। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।